दोस्तों स्वागत करता हूँ हमने इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है मोहित मरा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जब भी आप कोलकाता या हावड़ा आते हैं तो एक ही नाम आता है, हावड़ा ब्रिज। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं हावड़ा ब्रिज के नीचे ही हूँ और अभी शाम हुआ है, 7 बजा हुआ है और ये देखिए हावड़ा ब्रिज मेरे पीछे ही है। नॉइज काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, हवा भी चल रही है, इधर ट्रैफिक भी है तो काफ़ी ज़्यादा नॉइज आ सकता है। तो वीडियो एंड तक देखिए, तभी आपको मज़ा आएगा और इसके बारे में पूरी जानकारी भी आपको मिलेगी। तो चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी बहुत सारी वीडियो आने वाली है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली आपको दिखाने वाला हूँ हावड़ा का हावड़ा ब्रिज और ये रात का व्यू आपको देखने को मिलेगा, हावड़ा का हावड़ा ब्रिज, और जो कि 4 खंभों पर मात्र खड़ा हुआ है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हावड़ा ब्रिज का निर्माण 1936 में शुरू हुआ था और 1942 में ये बनकर तैयार हो गया था और 3 फरवरी सन 1943 में ये जनता के लिए खोल दिया गया था। तो अभी इसका नाम जो है रविंद्र सेतु रख दिया गया था, जल्द ही इसका नाम बदल कर रविंद्र सेतु रख दिया गया था और इसे पुराने नाम से ही जाना जाता है, हावड़ा ब्रिज। यह हावड़ा और कोलकाता शहर को जोड़ता है और यह ऐसा ब्रिज है जो बिना पोल के खड़ा हुआ है, यानी कि ये 4 खंभों पर खड़ा हुआ है। और देखिए रात में कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई देता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रविंद्र सेतु श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता। तो ये देखिए यहाँ ऐसा व्यू आपको दिखाई देगा, देखिए लाइटें यहाँ पे चेंज होती रहती हैं रात में, बेहद खूबसूरत ये लगता है हावड़ा ब्रिज देखने में। और नीचे से जो ट्रैफिक निकलता है ना भाई, एकदम बोले तो मस्त। ये देखिए अभी ऊपर चलेंगे उस साइड में, तब आपको दिखाएंगे, एकदम मस्त लगता। तो जैसा कि आप गूगल बाबा पर सर्च करोगे तो उसमें बताएगा कि यह 4 पिलरों पर खड़ा हुआ। तो फाइनली इधर देखिए 2 इधर पिलर हैं, बट ये वाले पिलर नहीं है मेन वाले, और मेन वाले पिलर मैं आपको दिखा देता हूँ। मेन जो पिलर हैं आगे इस साइड में यहाँ पे आपको दिखेंगे, और यहाँ से देखेंगे तो हावड़ा ब्रिज रात को ऐसा चमकता हुआ नज़र आता है, ऊपर देखेंगे तो कुछ ऐसा आपको नज़र आएगा, बेहद खूबसूरत। रात में लाइटिंग सिस्टम वगैरह भी लगा हुआ है तो बेहद खूबसूरत लगता है। और हावड़ा ब्रिज के किनारे आप देख सकते हो, ये देखिए बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी, और रात को जो है व्यू बहुत ही कमाल का रहता है भाई साहब, बोले तो एकदम मस्त। ये देखिए यहाँ पे जो गाड़ियाँ आ रही हैं हावड़ा ब्रिज के नीचे से निकलती हुई, तो काफ़ी अच्छी लग रही हैं। ये देखिए रात में कुछ ऐसा, हम दिन में इसलिए वीडियो नहीं बनाए, मैंने सोचा रात का व्यू दिखाएंगे, इस वजह से हावड़ा ब्रिज को एक्सप्लेन करेंगे। तो आप देख सकते हो ये रात में कितना खूबसूरत लगता है, और इस साइड से देखेंगे तो देखिए कितना ट्रैफिक रहता है भाई साहब। ये देखिए मतलब कि ये ऐसा ब्रिज है कि 80 वर्षों से ये टिका हुआ है और अभी तक इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई है। तो सोच सकते हो कितना ये मजबूत बना हुआ है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 705 मीटर की इसकी लंबाई है। और चलिए अभी आगे चलते हैं, पूरा दिखाते हुए हम आपको, और दोनों तरफ आपको काफ़ी लोग नज़र आएंगे। और देखिए कितनी हाई स्पीड में यहाँ से बसें भी निकलती रहती हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, इसीलिए जो है विश्व प्रसिद्ध है हावड़ा ब्रिज। अगर आप कोलकाता या हावड़ा घूमने आते हैं तो आप इस हावड़ा ब्रिज को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये देखने लायक ही चीज़ है। और नीचे से ये नदी आपको बता देता हूँ, हुबली नदी के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूँगा हुबली नदी जो कि हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में जो है इनका नाम गंगा है, और बंगाल में प्रवेश करते ही इनका नाम चेंज होकर हुबली हो गया है, हुबली नदी हो गया है भाई साहब। और ट्रैफिक की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा, और नीचे से देखेंगे तो कुछ एक ये यहाँ पे पिलर है, ये आप देख सकते हो ये पिलर काफ़ी ऊंचा है भाई साहब। ऐसे देखेंगे ऊपर आपको, ये देखिए भाई कितना ऊंचा है देखिए। और इधर से देखेंगे एक उस साइड में ये स्ट्रक्चर बीच में ऐसा बना हुआ है, एक उधर पिलर है, यही 2 पिलर हैं मात्र, और बाकी ऐसे ही ये पूरा ब्रिज टिका हुआ है। ये देखिए लाइटें वगैरह लगी हुई हैं। तो अभी चलेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, पद यात्रियों फुटपाथ के लिए चले, यानी कि फुटपाथ वाले इधर से चलेंगे इस साइड से। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ भाई साहब पूरा का पूरा व्यू, ये देखिए भाई कुछ ऐसी लाइटिंग सिस्टम लगा हुआ है इस पर, और ये हिल भी रहा है भाई साहब। और अभी हम इस साइड में चल रहे हैं आगे बढ़ते हुए, और इधर से दिखाते हैं, इधर देखिए रंग बिरंगी नीली नीली लाइटें जल रही हैं। तो ये देखिए ऐसा आपको दिखेगा रात का नज़ारा, बेहद खूबसूरत नज़ारा लग रहा है देखने में। ये देखिए लाइटिंग सिस्टम, और लाइटें समय समय पर चेंज होती जा रही हैं, तो कुछ टाइम पे जो है चेंज हो जाती हैं लाइटें। तो आगे चलेंगे, यहाँ पे है कोलकाता पुलिस का चेक पोस्ट लगा हुआ है,
ये देखिए बना हुआ, और भाई ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो काफ़ी मतलब क्या कहें, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे रात में, और मन कर रहा है कि रात में यहीं पे बिछा के मैं लेट जाऊं। तो इधर से आप देखेंगे, ये देखिए भाई ऐसा कुछ व्यू आपको देखने को मिलेगा रात में हावड़ा ब्रिज पे जब आते हैं तब। गाइज आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है अभी यहाँ पर हावड़ा ब्रिज पर, और ये देखिए भाई ऐसा कुछ बना हुआ हावड़ा ब्रिज, दिन में दिखाने की बात ही दूसरी होती है बट रात की तो बात ही निराली होती है। और इधर से हम देखेंगे इस साइड से, तो इधर एक और ब्रिज बना हुआ है उस साइड में, यहाँ से देखिए, ये देखिए ये है हुबली नदी, और वो वाला ब्रिज आपको दिख रहा है वो दूसरा ब्रिज है यहाँ पे बना हुआ है, और इस साइड में ऐसा नज़ारा आपको रात को देखने को मिलेगा। और आगे हम बढ़ते ही जा रहे हैं, नीचे साइड में आप देख सकते हो जो लाइटें लगी हुई है ये वाली, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी लग रही है, और सामने से बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो बहुत ही प्यारा औसम समय लग रहा है। और कल हम गए थे उस वाले ब्रिज को दिखाया था, उस वाले ब्रिज को देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देखिए एक जहाज़ आ रहा, पानी वाला जहाज़ आपको दिख रहा होगा ये, और ये देखो भाई एकदम मस्त। फाइनली आगे हम बढ़ते हुए जा रहे हैं, बहुत ही बड़ा हावड़ा ब्रिज है भाई साहब, इसका वीडियो अगर मैं टोटली बनाऊं तो ये आपको बता दूं कि जो है लगभग 15 से 20 मिनट का इसका वीडियो बन जाएगा। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो लोग हैं वो जो है मसाला खैनी खाकर यहीं पर थूक देते हैं इनके पिलरों पर, तो ये गलत बात है भाई साहब, अगर आप आते हैं तो किसी चीज़ पर थूकना नहीं चाहिए, बहुत ही ख़राब लगता है भाई साहब। दोस्तों रोचक चीज़ इस हावड़ा ब्रिज की यह है कि इंजीनियरों का मानना है कि यह जब भी पुल गिरेगा या 12 बजे ही गिरेगा, उन्होंने ये नहीं बताया कि यह दिन में गिरेगा या 12 या रात के 12 बजे, इसलिए यह हावड़ा ब्रिज दिन में और रात में 12 बजे बंद कर दिया जाता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा यह 80 साल से टिका हुआ ब्रिज है, लेकिन अब ये कमज़ोर हो जा रहा है क्योंकि लोग खैनी खाकर इसी पर थूक देते हैं जिससे ये कमज़ोर हो रहा है। और आप लोगों ने जाना कि ये हावड़ा ब्रिज 12 बजे क्यों बंद हो जाता है, तो यही कारण है इंजीनियरों का मानना है। तो ये नज़ारा देखिए एक बार पूरा मैं आपको व्यू करा देता हूँ यहाँ से, ये देखिए पूरा ऊपर तक देखिए तो इस टाइप का ऐसा आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। तो हावड़ा ब्रिज पे आप देख पा रहे हो ये देखिए तार लगे हुए कटीला वाले, क्योंकि बहुत सारे लोग दुर्घटनाएं हो जाती हैं मतलब कूद जाते हैं इधर से नदी में छलांग लगा लेते हैं, इस वजह से दोनों तरफ इधर भी और उधर भी मतलब कि लगे हुए हैं ये कटीला तार। देखिए भाई कितना मज़ा आ रहा है। हावड़ा ब्रिज पर से ये नाव देख रहे हैं, देखिए कितना बढ़िया बोट जा रहा है यार, वाह भाई वाह, कोलकाता हेरिटेज रिवर क्रूज देखिए। तो इस साइड में देखेंगे तो काफ़ी सारे लोग जो है हावड़ा ब्रिज को देखने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे देखिए सभी खड़े हुए हैं हावड़ा ब्रिज को देखने के लिए, ये देखिए। और इधर ये एक दो पोल इधर और हैं बस, मात्र केवल दो पोल ही हैं इधर इस साइड में, उस मतलब कि ये वाले जो आपको पोल नज़र आ रहे हैं ये वाले पोल ऊपर से ही हैं, बाकी सटे हुए ज़मीन से लगे हुए एक ये एक वो और दो उस साइड में, बस इतने ही पोल हैं। दूसरी तरफ हम आ चुके हैं और बिल्कुल अब यहाँ से इस तरफ का व्यू दिखा देता हूँ ऊपर का, ये कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, और एक नज़र में मैं आपको पूरा इधर से व्यू दिखा देता हूँ, इधर से देखेंगे। तो हम लोग फाइनली उधर से चलते हुए आए, उधर से चलते चलते इधर इस साइड में आ चुका हूँ, और ये देखिए इतना ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे, और ये देखिए कितना लोग देखने के लिए आता है भाई साहब हावड़ा ब्रिज को देखने के लिए, देखो भाई साहब वाह भाई वाह। दिन होता तो वो मैं दिखाता, लेकिन रात में भी देख सकते हो कितना ज़्यादा मतलब थूकते हैं लोग खैनी खा खा कर, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, खैनी खाते हैं ठीक है बट ऐसे नहीं थूकना चाहिए जैसे आप लोग थूक देते हैं यहाँ पे, मैं उनको कह रहा हूँ जो भाई साहब थूकते हैं। इधर से देखेंगे तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ऐसा व्यू मिलेगा भाई हावड़ा ब्रिज का।
जैसा कि आप देख पा रहे हो पीछे है हमारे हावड़ा ब्रिज, और हावड़ा ब्रिज का मैंने रात का पूरा टोटली वीडियो आपको दिखा दिया, पूरा जितना था मैंने जो जो इसके बारे में हिस्ट्री था वो भी मैंने जहाँ तक हो सका वहाँ तक मैंने आपको बताया। और अभी मैं हूँ हावड़ा में, और इधर पीछे जस्ट हमारे पीछे हावड़ा रेलवे स्टेशन, और सामने रेलवे स्टेशन से सामने पड़ जाता 50 मीटर पर हावड़ा ब्रिज। अगर आपने इस वीडियो को पूरा वॉच किया है तो चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपने इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया तो जल्दी से जाकर फॉलो कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद जय।